हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक फ्लावर बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपली हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू फाइल से। सिंपली क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड इधर पॉइंट सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट करेंगे 800x800 पॉइंट्स एंड क्रिएट कर देंगे। नाउ आप देखते हैं ये हमारा आर्ट बोर्ड है। सिंपली स्टार्ट करेंगे एल टूल से। आप एल प्रेस कर सकते हैं टू एसेस इट एंड सिंपली क्लिक करके शिफ्ट होल्ड रखेंगे और ड्रैग कर देंगे ताकि एक प्रॉपर सर्कल बने। एंड इधर से ऐसे करते हैं कि हम जो इसका कलर है वो चेंज कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से स्ट्रोक को सबसे पहले तो हटा देंगे एंड इधर हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जाऊँगा एक येलो फ्लावर, तो येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम इसको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे लाइक दिस। इधर सबसे पहले अब हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे टू एड सम डेप्थ इन आवर फ्लावर और इसको हम एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट इधर आपको ग्रेस्केल दिखाएगा। इधर ये रेडियल सेलेक्ट करेंगे, ये अभी लीनियर पे था। और इधर क्या करेंगे हम कि ये यहाँ से इसका कलर उठा के हम इधर डाल देंगे लाइक दिस। और इधर से हम जो है इसको कॉपी कर लेंगे और प्रेस करके इस ग्रेडियंट स्लाइडर की बात कर रहा हूँ मैं। देन हम इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देन इधर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं हम इधर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कौन सा कलर चाहिए। थोड़ा सा डार्क सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह एंड इसकी तरफ हम एक और भी डाल सकते हैं टू स्प्रेड इट। देन हम क्या करेंगे कि सिंपल शू लेंगे एंड देन इधर हम एक ओवल जैसा एक शेप बना लेंगे लाइक दिस। एंड इसके अंदर हम जो है ना कलर फिल कर देंगे सिंपल ये वाला एंड देन इसको हम सेलेक्ट करके इधर भेज देंगे। एंड हम क्या करेंगे कि जब अभी सेलेक्ट करके अरेंज में जाके ब्रिंग बैकवर्ड कर देंगे जिससे कि हमारी जो सर्कल है उसके बैक पे चला जाएगा। देन इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। नाउ हम इधर एक क्विक कैलकुलेशन करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं रोटेट टूल का। सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे और एक ये रोटेट टूल है इसका शॉर्टकट है आर, उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड उससे पहले हम ये करेंगे कि कंट्रोल आर प्रेस करेंगे एंड इधर हम इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो सेंटर है इधर एक गाइड बना लेंगे अपना ताकि हमें सेंटर का पता चले कि सेंटर किधर है। नाउ हम इस लीफ को सेलेक्ट करके रोटेट टूल लेके इधर जो हमारा सेंटर है इधर हम ऑल्ट के साथ क्लिक कर देंगे। अब ये हमें एक विंडो शो हो रही है। इधर ही हम इससे पूछ रहे कि हमें क्या एंगल रखना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर खोल लेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल होता है, आपने सर ने पढ़ा होगा। और इधर हमें कितने फ्लावर्स कितने लीव्स ऐड करने हैं वो हम इस 360 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हम डिवाइड कर लेते हैं 15 फ्लावर, तो मैं इसको 15 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 24 डिग्री विल बी आवर एंगल। सो इधर हम 24 डाल देंगे लाइक दिस और कॉपी भी क्लिक कर देंगे। नो ये हमने कॉपी किया हुआ है, तो अगर हम कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो ये सेम एक्शन को दोबारा रिपीट करेगा। लेंगे हम अब गाइड्स को हार्ड करना है बहुत ही दिया। आप कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस कर लीजिए तो ये हाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे हम बारी बारी इन लीव्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड अब हम क्या करेंगे कि सिंपली एक लीफ को सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी एक लीफ को एंड देन इधर हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। सो कलर यही होगा एंड यहाँ से हम कलर से ये वाला कलर को पिक करके हम इधर रख देते हैं एंड बाकी जो हमारे कलर हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं अब डालना। तो इसके अंदर लीनियर यूज़ करेंगे। इधर जो है हम क्या करेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा कलर इसको डार्क कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कि ये ऊपर से डार्क हो या नीचे से डार्क हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से डार्क हो, तो मैं फिर ये जो हमारा राइट वाला ग्रेडियंट स्लाइडर है इसको हम डार्क करेंगे थोड़ा सा करेंगे और थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन एडजस्ट कर देंगे। नाउ हम इधर से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कर लेंगे एंड इन सारे को सेलेक्ट करेंगे एंड आई ड्रॉपर टूल लेंगे और इधर क्लिक कर देंगे तो ये सेम ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा हमारे सारा की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टेम की तरफ जो लीफ का पार्ट है
उसको हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। हम एक डार्कर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर स्टिक बनाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम इसको राउंड कर देंगे सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन सबको, ये जो फ्लावर का अपर पार्ट है, इसको हम सिलेक्ट करके ग्रुप में तब्दील कर देंगे। देन हम क्या करेंगे कि ये वाला लेंगे, ये हमारी जो स्टेम बनाई है, और ग्रुप जो हमने अभी बनाया था उसको सिलेक्ट करके अरेंज में जाके हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो ये क्या होगा कि जो हमारा स्टेम है वो नीचे हो जाएगा और जो हमारी मेन अपर पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये रियल लीफ लगेगा। देन हम सेलेक्ट करेंगे अपने स्टेम को एंड इधर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। सिंपली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर से एंड इधर हम ग्रीन कलर डाल देते हैं एंड जो बाकी कलर नहीं हमें चाहिए उसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस। एंड लीनियर सेलेक्ट कर लेंगे एंड इधर हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि रोशनी थोड़ी सी जो है वो इधर से आने के बजाय आई थिंक इधर से आनी चाहिए, ठीक रहेगी। रोशनी इधर से आई है तो फिर इधर से ये लाइटर होगा लाइक दिस। थोड़ा आपको कलर्स के साथ खेलना पड़ेगा एंड इधर से इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं लाइक दिस। नाउ आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक लुक दे रहा है। एंड नाउ हम वर्क करेंगे अपने लीव्स के ऊपर। तो लीव्स बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि सिंपली आप एक सर्कल लें नो मैटर व्हाट कलर यू आर यूजिंग एंड इसकी एक कॉपी बना लें एंड इसके अंदर आप क्लिक कर दें इसको और थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड कर दें अराउंड टू एंड इधर आप एक लीव की शक्ल बना लें लाइक दिस इन दिस नेगेटिव स्पेस। इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल में जाएं एंड इधर से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन कलर लाइक दिस और इधर बीच में हम ये कलर डाल देंगे एंड ऑल्ट प्रेस करके जो जो पार्ट हमें डिलीट करना हो हम वो डिलीट कर देंगे लाइक दिस। तो ऐसे सिंपल हमारा बन जाएगा एंड इधर से हम ये जो हमारी स्ट्रोक है उसको हम ज़ीरो कर देते हैं। नाउ हम क्या करेंगे कि जो हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया इधर वही हम ग्रेडियंट इधर अप्लाई कर देंगे एंड थोड़ा सा इसको रोटेट करके छोटा कर लेंगे एंड रिफ्लेक्ट करेंगे इसको अरेंज पे जाके ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट एंड कॉपी प्रेस कर देंगे लाइक दिस एंड इसको हम इधर प्लेस कर देंगे। इसको हम अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे एंड इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं लाइक दिस। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको पता है कि हमारे लीफ में बीच में एक वो होता है थोड़ा सा कर्व पार्ट जो भी आप कह लें तो उसको हम ऐड करेंगे। इधर से आप लीफ सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से हम HSB कलर सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट हम एक ग्रेडियंट स्लाइडर डाल के ठीक इसको थोड़ा सा हम डार्क की तरफ लेके जाएंगे लाइक दिस। इस तरह से हम इसको डार्क की तरफ ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आ रही है। तो हम इस सेम ग्रेडियंट को इधर भी अप्लाई कर देंगे लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सा एक क्यूट सा हमारे पास एक फ्लावर रेडी हो चुका है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। तो मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।